हेलो एंड वेलकम टू यशितास किचन। अगर आप भी पनीर बटर मसाला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं तो यही ऑर्डर करते हैं, तो ये आसान सी रेसिपी सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाना आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान है और कोई भी गरम मसाला इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक पैन गरम करना है जिसमें बटर डालना है और थोड़ा सा तेल डालना है। तेल इसलिए ताकि बटर जले ना, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर एक बड़ा साइज प्याज डालें, 4 गार्लिक यानी कि लहसुन, अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 बड़े साइज के टमाटर डालने हैं। इसके बाद आपको नमक डालना है, इसमें तेज पत्ता यानी कि बे लीफ डालें, आपको दालचीनी डालनी है, लौंग डालने हैं और आपको इसमें काजू डालने हैं, इसमें 2 टेबलस्पून डालें, काली मिर्च और सौंफ भी डालना है। इसके बाद आपको हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, आपको जीरा भी इसमें डालना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालना है, थोड़ा बटर डालें और पानी डाल के आपको 15 से 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पर यानी कि मीडियम फ्लेम पर ढक के इसको अच्छे से पकाना है। पानी आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको पकने के लिए रख दें। फिर एक पैन में बटर गर्म करना है और आपको पनीर के क्यूब्स डालने हैं, मैंने इसमें सोया पनीर यूज़ किया है। फिर आपको इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क के अच्छे से दोनों तरफ सेकना है। इसके बाद धनिया पत्ता डाल के गार्निश करें और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख दें। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब गैस की आंच को बंद कर दें और ठंडा होने पर इसको आपको पीसना है यानी कि स्मूथ पेस्ट बनाना है। स्मूथ पेस्ट बनने के बाद आपको एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करना है और इसको स्ट्रेन करना है। आप स्पून की मदद से कर सकते हैं, थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, जो वेस्ट बचता है उसको आपको फेंकना है। इसके बाद आपको वापस कढ़ाई में बटर डालना है। बटर भर के डालेगा, कंजूसी बिल्कुल ना कीजिएगा। फिर तेल डालें, फिर वो पूरी सी ग्रेवी इसमें ट्रांसफ़र कर दें। थोड़ी सी शक्कर टेस्ट थोड़ा बैलेंस करने के लिए कसूरी मेथी डालें और इसको आपको उबाल आने तक पकाना है। इसके बाद पनीर जो हमने अच्छे से सेक के रखे थे उसको इसमें डालना है। इस ऐसा तरीका यूज़ करने से पनीर का स्वाद बहुत अच्छा आता है, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बॉईल आने तक इसको अच्छे से पकाना है। इसके बाद आपको इसको सर्व करना है। मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, आप नहीं करेंगे तो भी टेस्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। इसमें मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है, वो भी लास्ट में सर्व करते समय। मलाई जो दूध पे आती है गरम गरम, वो आपको निकाल के रख देनी है और फिर सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ। धन्यवाद।